हाँ जी बताइए। ठीक है मैं बाहर ही आ रहा हूँ क्योंकि मैं राउंड पे निकल रहा था, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। ठीक है जी मैं बाहर ही आ रहा हूँ क्योंकि मैं राउंड पे निकल रहा था, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। ठीक है जी हेलो देखिए इस समय क्योंकि कहीं पर भी शराब की बिक्री नहीं हो रही है, शराब की बिक्री पर रोक लगी हुई है, इसलिए जो शराब के जो दुकानदार हैं, ठेकेदार हैं, वो गलत तरीक़ों से अपनी दुकान का सामान निकाल करके अवैध रूप से बेचने की कोशिशें कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे प्रकरण बने हैं जहाँ पर कि इस प्रकार की कोशिश करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। इस पूरी प्रोसेस में अभी एक मामला जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस मामले में ये हमारे सामने आया कि कुछ पुलिसकर्मियों के सहयोग से शराब को निकालने की कोशिश की गई है, निकाला गया। मैं जैसा कि पहले भी अपने मैसेजेस में कह चुका हूं कि कोई पुलिसकर्मी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। यदि प्रथम दृष्टया भी किसी की शामिल होने की सूचना मुझे मिलेगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से अपने सभी पुलिस साथियों के लिए ये एक मैसेज करना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि इस समय सभी पूरा देश जो है कोरोना जैसी बीमारी से लड़ाई लड़ रहा है, किसी भी इस तरह के गलत गतिविधियों में शामिल होने की ज़रा भी गलती नहीं करें क्योंकि उसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में जो बातें सामने आई उन बातों को देखते हुए 3 लोगों को सस्पेंड किया गया और उसमें अभी आगे जाँच जारी है। वो जो ठेकेदार है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और हम पूरी तरह से उस पूरे प्रकरण में जो भी अधिक से अधिक कार्रवाई हो सकती है वो करें। जो ठेके हैं उनको चिन्हित करके कोई सामग्री या जो माल पड़ा है उसको लेकर कोई देखिए ठेकों को पुलिस चेक नहीं करती है क्योंकि ये लाइसेंसी ठेके हैं। उन ठेकों में क्या अंदर है क्या नहीं है वो चेक करने का पुलिस को अधिकार नहीं है। उन ठेकों को सील करने का, उन ठेकों का सामान का आगे क्या करना, इस बारे में आबकारी विभाग ही कुछ बता सकता है। हमारी तो जिम्मेदारी यही है कि उनसे माल निकल करके कहीं और नहीं जाए। हम लगातार इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी किसी तरीके से ठेकों का माल यहाँ वहाँ खुर्द बुर्द नहीं करें।